जुल्फिकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, उन्होंने सदर याहिया खान को उनके मकान में नजरबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौज की कयादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बरी फौज, बहरिया और फजाइया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और उनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तानी फौज को बैकफुट पर ले आई थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जुल्फिकार अली भुट्टो की वो कौन सी गलतियां हैं जो फौजी बगावत की बुनियाद बनी? आप सुन रहे हैं बीबीसी उर्दू की ऑडियो स्टोरी और मैं हूं साद सुहेल। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी उनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें बंद करके उनके हर हुक्म को बजा लाए। ओवन बेरेट जोन्स ने अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर के बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिले एतमाद साथी गुलाम मुस्तफा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राबता न हो जब तक के उनके जानशीन की तकर्री का हुक्म जारी न हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिन अहदेदारों को एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें इस वक्त तक वहां रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशंस पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्कद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हिमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिका खान को पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकरर किया। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भुट्टो की सवाने उम्री जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में स्टैनली वुलपर्ट ने लिखा कि 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम या जे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को इशाइये पर मदऊ किया। इशाइये का वक्त 8 बजे था लेकिन मेजबान भुट्टो खुद वहां नहीं पहुंचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना ग्लास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो ज़ियाफ़त पर पहुँचे तो हफीज पीरज़ादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा गया। जब टिका खान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिन 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल जियाउल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने उन्हीं के नाम पर मुहर सब्त की। शायद उसकी वजह ये थी कि जिया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि कई बार जनरल जिया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमात के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्मर्ड कोर का तनख्वाह ना लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया बल्कि उनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सिलवाई। भुट्टो की सवाने उम्री में स्टैनले वुलपर्ट लिखते हैं कि जिया ने कभी ये तासर नहीं दिया कि वो कोई फौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया। वो अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाते थे। उनके बारे में एक कहानी मशहूर थी कि एक बार जिया सिगरेट पी रहे थे। इसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। इस खौफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीते देखकर बुरा ना लगे, उन्होंने फौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इस कदर डरता हो वो उनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमनो अमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया। एक जगह फौजियों ने गोली चलाने के हुक्म की तामील की लेकिन उन्होंने हुजूम के सर से ऊपर फायरिंग की। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि भुट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालिफीन से मुजाकरात में आर्मी कोर कमांडरों को शामिल करना थी। वो लिखते हैं कि भुट्टो के नुक्ता नजर से वो फौज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फौजी अफसरान ने उन्हें दूसरी नजर से देखा। उनके ख्याल में भुट्टो के इस इकदाम से जाहिर हुआ कि वो कमजोर हैं और हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं हैं। तमाम तर मुखालफत के बावजूद भुट्टो ने 7 मार्च सन 1977 को आम इंतखाबात करवाए। आने वाले इंतखाबी नतायज पर आम पाकिस्तानियों ने यकीन नहीं किया। भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली की 200 में से 155 नशिस्तें मिली जबकि हिजब इख्तलाफ पीपल्स नेशनल अलायंस को इस कदर तशहीर के बावजूद
सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। सन 1970 के इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत के अरूज पर थी, उस वक्त उसे सिर्फ 39% वोट मिले थे, जबकि इस इंतखाबात में उनका वोट 55% हो गया था। भुट्टो के खिलाफ इस बेख्तलाफ की बड़ी इंतखाबी मुहिम के बावजूद उन्हें सिर्फ 39% वोट मिले। इंतखाबात के बाद के माहौल का जिक्र करते हुए कौसर नियाज़ी अपनी किताब लॉस्ट डेज ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखते हैं कि वजीर आजम की रिहायशगाह पर हफीज पीरजादा, रफी रजा और अपने दो दोस्तों के साथ भुट्टो बैठे थे। पीरजादा की तरफ देखकर उन्होंने पूछा कि हफीज कितनी नशिस्तों पर धांधली हुई होगी। उनका जवाब था, सर 30 या 40 पर। भुट्टो ने कहा कि क्या हम ऑपोजिशन से इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब लड़ने के लिए नहीं कह सकते? हम इन सीटों पर उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। भुट्टो चाहते थे कि वो लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हों, जबकि उनके मुशीर रफी रजा इसके सख्त खिलाफ थे। भुट्टो के खिलाफ लड़ने वाले PNA उम्मीदवार को एक और सीट लड़ने की पेशकश की गई थी और उन्हें ये भी बताया गया था कि वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे। उन्होंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अगवा कर लिया गया ताकि वो अपने कागजात नामजदगी नहीं भर सकें। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि हफीज पीरजादा ने उन्हें बताया था कि इंतखाबात में गड़बड़ इस वाक्य से शुरू हुई थी। भुट्टो को देखकर पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवारों ने भी ये यकीन दहानी चाही थी कि कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ न खड़ा हो। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी खालिद हसन ने अपनी किताब रेयर व्यू मिरर 4 मेमोर्स में लिखा कि भुट्टो के एक मुशीर राजा अनवर ने फौजी बगावत से जरा कबल भुट्टो और जनरल टिका खान के माबेन एक मुलाकात देखी थी। भुट्टो ने टिका खान से कहा कि जनरल, आपको याद है कि आपने जिया को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी? अब आपको एतराफ करना पड़ेगा कि मैंने सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता तो वो अमनो अमान का बहाना बनाकर अब तक ये इक्तदार संभाल चुका होता। 7 घंटे बाद जिया ने भी वही किया। गिरफ्तारी के बाद भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही दी कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें कसूरी के कत्ल का हुक्म दिया था। विक्टोरिया स्कोफील्ड अपनी किताब भुट्टो ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन में लिखती हैं कि मौलवी मुश्ताक हुसैन 5 जजों की बेंच के सरबराह थे। भुट्टो के साथ पुरानी दुश्मनी थी। जब भुट्टो इक्तदार में थे तो उन्होंने 2 बार जूनियर जजों को उनसे पहले प्रमोट किया था। समाअत के दौरान जब भुट्टो ने अदालत में खसूसी तौर पर तामीर शुदा कटहरे में बैठे जाने के हुक्म पर बरहमी का इजहार किया तो मुश्ताक हुसैन ने तंजिया लहजे में कहा, हमें मालूम है कि आप आराम तलब जिंदगी गुजारने के आदी रहे हैं, इसका ख्याल करते हुए हमने कटहरे में आपके लिए कुर्सी का बंदोबस्त किया है, वरना आपको आम मुजरिमों की तरह बेंच पर ही बैठाया जाता। मुश्ताक ने भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। भुट्टो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी सन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फर्क से मोहर लगा दी। ओवन बेनेट जोन्स लिखते हैं कि इससे पहले कभी भी कत्ल की साजिश के मुकदमे में मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी और न ही अदालत उज़्मा के जजेस मुजरिम की सजा और जुर्म के बारे में मुत्तफिक थे। इस सजा पर ये भी सवालात उठे कि मुलजिम को उस वक्त भी कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था, हालांकि वो जाए वकुआ पर मौजूद भी नहीं था। भुट्टो ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन इस बुनियाद पर इसे मुस्तरद कर दिया गया कि उसमें ये बहस नहीं की गई कि पिछले 2 मरहले के फैसले में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। रूस के सदर ब्रेजनेव, चीन के सरबराह हुआ गफिंग और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भुट्टो की सजा को माफ करने की अपील की। बरतानिया के वजीर आजम जनरल जिया को 3 खत लिखे, जिसमें एक खत के आखिर में उन्होंने लिखा, बतौर फौजी आपको एक पुरानी बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन तख्तादार पर कभी नहीं। लेकिन जिया ने भुट्टो को फांसी देने का इरादा कर लिया था। आखिर में मामला रहम की दरख्वास्त तक पहुंचा। पाकिस्तान में ये जरूरी नहीं कि मुजरिम या उसके अहले खाना की तरफ से सदर के पास रहम की इल्तजा की जाए, लेकिन फिर भी इस ख्याल के तहत कि कहीं जिया ये बहाना बनाकर भुट्टो को फांसी ना दे दें कि उनके अहले खाना ने उनके लिए कुछ नहीं किया। भुट्टो की एक बहन शेरबानो इम्तियाज की जानिब से रहम की अपील की गई। 1 अप्रैल सन 1979 को शाम को जनरल जिया ने सुर्ख रोशनाई में 3 अल्फाज लिखे, पिटिशन इज रिजेक्टेड, यानी अपील मुस्तरद की जाती है। इस ऑडियो स्टोरी की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं रेहान फजल, जिनका तहरीर करदा आर्टिकल पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bbcurdu.com।